अभी तो जो एग्जीबिशन हमारी यहाँ चल रही शुरू होनी है ब्रीडिंग मिल की, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किया है कि इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हमारे हैं जम्मू के वो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और पैन इंडिया से जितने भी हमारी कंपनीज हैं डायरेक्टली वो आके यहाँ पर अपना मटेरियल डिस्प्ले करेंगे। उसमें बेनिफिट क्या है कि जो लोग अपने घर बना रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो है उनको डायरेक्टली एक अवेयरनेस होगी, जो नए नए मटेरियल निकल रहे हैं उस पर एक्सपोजर लोगों को मिलेगा। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे हम लोगों ने यहाँ पर एक इंजीनियर्स गवर्नमेंट प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग वो है और अपना स्टूडेंट्स जो हमारे आर्किटेक्चर कॉलेज के हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छा सा एक सिग्नल जाएगा। मीडिया से हूँ वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बेसिकली माइंस मीडिया और आईआईए इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जम्मू कश्मीर चैप्टर ज्वाइंटली मिलकर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंटीरियर एक्सटीरियर पे 25 से 28 नवंबर को भगवती ग्राउंड जेडी ग्राउंड भगवती नगर पे, और ये एग्जीबिशन इंटीरियर एक्सटीरियर कैटेगरी कंस्ट्रक्शन फेयर पे लग रही है जिसमें इंटीरियर्स की बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज और कंसेप्ट और प्रोडक्ट्स कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है, और इसमें एक्सटीरियर भी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सेम रहता है, और इसमें 120 एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें जो आने वाली लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं वो पार्टिसिपेट हो रही है, जैसे होम ऑटोमेशन में हो गया, टाइल्स में हो गया, अलग पाइपिंग में हो गया, सेंटीवेयर्स में हो गया, काफी अच्छी कैटेगरीज के बना, और इसमें विजिट करने के लिए बेसिकली वी आर इनवाइटिंग और आर्किटेक्ट्स बिल्डर्स इंटीरियर डिजाइनर्स इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को इन्वाइट कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।